You are watching BitBNS News. Today's headlines. Italian luxury fashion house Dolce & Gabbana ne beche NFT collection worth $5.7 million. Polygon founder ne kaha ki Ethereum aane wale samay mein le sakta hai Bitcoin ki jagah. 6000 Coinbase account hue expose hack ke dauran. Crypto market ne paar kiye $2.1 trillion. October jari. BTC के प्राइस में 10% का राइज, क्या ये शुरुआत है इसके और भी ज़्यादा बढ़ने की? $706 मिलियन के एथेरियम ट्रांसफ़र किए गए एनोनिमस क्रिप्टो वेल्स और टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा. ब्लॉकचेन द्वारा संचालित दुनिया का पहला क्विज गेम. डेफाई प्लेटफॉर्म कंपाउंड में आईबग से यूज़र को मिला $88 मिलियन के टोकन्स क्लेम करने का मौका. सेप्टेम्बर 30 को इटालियन लग्जरी फैशन हाउस डॉल्चे एंड गबाना ने एनएफटी कलेक्शन बेचा वर्थ $5.7 मिलियन या 1885 ईथर. कलेजियोनी जेनेसी कलेक्शन यूएनएक्सटी प्लेटफॉर्म पर बिका, जो कि एक पॉलीगॉन नेटवर्क पावर्ड मार्केट प्लेस है. हाल ही में पॉलीगॉन के फाउंडर और COO संदीप नैलवाल ने लीडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के बारे में कॉइन टेलीग्राफ से बात करते हुए कहा कि एथेरियम एक नंबर 2 लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ओनली सेकंड टू बीटीसी, और आने वाले समय में एथेरियम ब्लॉकचेन पहले पायदान पर आ सकता है. कॉइनबेस ने इस वीक एक ब्रीच नोटिफिकेशन लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम 6000 यूज़र अकाउंट हैकर्स का शिकार हुए. एक्सचेंज ने कहा कि ये ब्रीच हुई मार्च और मई के बीच. बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है. 29 सितंबर को ये $40,996 से बढ़ के रात को $48,436 तक गया. ये चेंज इसमें थोड़े समय के लिए रहा और फिलहाल ये $47,606 से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है. बिटकॉइन की कीमत एक बार फिर से $50,000 के करीब है. इस उछाल ने बिटकॉइन के प्राइस में 10% का राइज देखा. ऐसा काफ़ी समय बाद हुआ है कि बिटकॉइन ने अपना $40,000 का बैरियर तोड़ा हो. अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक नए बुलरन की शुरुआत है या नहीं. वेल अलर्ट डेटा के अनुसार पिछले 20 घंटों में बड़े क्रिप्टो वेल्स और टॉप डिजिटल एक्सचेंजेस ने एथेरियम के करीब $706 मिलियन के 10 ट्रांसफ़र किए. इसमें लगभग 214,861 एथेरियम ट्रांसफ़र किए गए क्रिप्टो वेल्स और टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा. स्वीडन में एक एक्साइटिंग और इनोवेटिव गेम बनाया गया है, जो कि ना सिर्फ स्वीडन बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है. ये एक फन और इनोवेटिव गेम है, जिसमें जीतने पर आपको क्रिप्टो करेंसी में रिवॉर्ड्स मिलेंगे. सन्स ऑफ मीम्स बनाया गया है एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा, और ये ऐसा पहला गेम है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. डेफाई प्लेटफॉर्म कंपाउंड में आए बग की वजह से यूज़र्स को मिला $88 मिलियन के टोकन्स क्लेम करने का मौका. ये इशू आया न्यू अपडेट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान. कंपाउंड के फाउंडर रॉबर्ट लेशनर ने कहा यूज़र्स के फंड सेफ हैं.